Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads. क्या अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर शुरू हुई हिंसा की आंच अब भारतीय सेना तक पहुंच चुकी है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए कुछ ऐसा दावा हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि गोरखा रेजिमेंट के जवान अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर सेना से इस्तीफा दे रहे हैं। आखिर क्या है ममता बनर्जी से बगावत का ऐलान करने वाली गोरखा रेजिमेंट का वायरल सच, आइए पता लगाते हैं। जय भारत माता की, जय गोरखालैंड। अच्छा मोदी साहब जी, केंद्र सरकार, हम आपको ये बताना चाहते हैं, हम यहाँ पे 10 से लेके 12,000 तक इंडियन गोरखा रेजिमेंट के 10 से लेके 12,000 तक है। अभी भी हमने बहुत फौज में दुख करके इधर आया है। भारत माता की जय का नारा लगा रहे क्या ये भारतीय सेना के जवान हैं? 2 मिनट 23 सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। वीडियो में भारत माता की जय और जय गोरखालैंड के नारे साफ सुनाई देते हैं। इसका फल हमको क्या दे दिया? ममता बनर्जी ने हमको टेररिस्ट में शामिल कर दिया। ये आप लोग थोड़ा सोचने की बात है, जल्द से जल्द सोचिए प्लीज। और क्या हो गया उधर दार्जिलिंग में? हम तो अपना हक मांग रहे हैं। हक मांगने से दूसरा पत्थर क्या मार दिया? गोली ठोक दिया सीने पे और सर पे। ये कहाँ का नियम है? कहाँ का हुक्म है ये? क्या अलग गोरखालैंड की मांग कर रही है जवान हमारे देश की फौज का हिस्सा है? आंख में चश्मा, सिर पर टोपी लगाए शख्स का दावा है कि वो भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट का जवान है। वीडियो एक बस में बनाया गया है और बस में कई लोग बैठे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत का ऐलान करने वाली इस गोरखा रेजिमेंट का सच क्या है? वीडियो में जवान अलग गोरखालैंड का समर्थन करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गोली चलाने का आरोप लगा रहा है। जवान ये भी चेतावनी दे रहा है कि उन्हें भी गोलियां चलाना आता है। हम लोग को यहाँ का सर्विस रिजॉइन करके आना पड़ रहा है, मजबूर हो गया हम लोग। क्या ये जवान देश की सेना की नौकरी छोड़ने की बात कर रहे हैं? वीडियो जिस बस में बनाया गया उसमें सीट पर टोयोटा लिखा हुआ दिखता है। अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर जिस तरह से दार्जिलिंग में आंदोलन चल रहा है वो इस वीडियो के सच होने की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अब इस आंदोलन की आंच भारतीय सैनिकों तक जा पहुंची है? क्या वाकई देश के जवान अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर इस्तीफा दे रहे हैं? क्या देश के जवान अपने राज्य की मुख्यमंत्री को चेतावनी दे रहे हैं? क्या देश के जवानों में इतना गुस्सा है कि वो अपनी नौकरी छोड़कर जाना चाहते हैं? वीडियो देखकर ये सवाल सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं। लेकिन सच क्या है ये जानने के लिए एबीपी न्यूज की वायरल सच टीम ने पड़ताल शुरू की। दावा भारतीय सेना से जुड़ा था, इसलिए भारतीय सेना का कोई बड़ा अधिकारी ही हमें सच बता सकता था। इसलिए हमने भारतीय सेना के सूत्रों से संपर्क किया और उसके बाद तो सच जानने के लिए हमें एक के बाद एक कई सुराग मिलते गए। पहला सुराग, वायरल वीडियो में दिख रही बस की सीट पर टोयोटा लिखा हुआ है, लेकिन सेना के सूत्रों ने बताया कि भारतीय सेना टोयोटा बस की सेवा का इस्तेमाल नहीं करती। दूसरा सुराग, वीडियो में दिख रहे शख्स के गले में आइडेंटिटी कार्ड दिखाई देता है। भारतीय सेना के जवान इस तरह के पहचान पत्र का इस्तेमाल नहीं करते। तीसरा सुराग, वीडियो में दिख रहा शख्स दावा कर रहा है कि वो गोरखा रेजिमेंट का सिपाही है, जबकि भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट नहीं गोरखा राइफल्स कहा जाता है। चौथा सुराग, चौथा ये सबसे जरूरी सुराग है, वीडियो में दिख रहा शख्स आंखों पर चश्मा और ग्रे कलर की यूनिफॉर्म में दिखाई दे रहा है, जबकि गोरखा राइफल्स के जवानों की यूनिफॉर्म अलग है। देखिए दोनों यूनिफॉर्म में कितना फर्क है। आर्मी से मिली जानकारी के मुताबिक कई देशों की सुरक्षा एजेंसियां भारत, नेपाल और ब्रिटेन की सेनाओं से रिटायर हुए गोरखा सैनिकों को अपने यहाँ भर्ती करते हैं, खास तौर से अफगानिस्तान में। और वीडियो में दिख रहे इन जवानों के पहनावे से भी ऐसा ही लगता है कि ये किसी सिक्योरिटी एजेंसी की ड्रेस कोड है। इसलिए हमारी पड़ताल में ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत का ऐलान करने वाले सेना के जवानों वाला दावा झूठा साबित हुआ है। ये है एबीपी न्यूज़।
आपको रखे आगे।